सभी को सादर प्रणाम मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र कमल किशोर। तो मित्रों, आप सभी को दीपावली व धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस के बारे में। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु के स्वरूप भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी जी का जन्म हुआ था। इसी के कारण धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। यह धनतेरस दीपावली के दो दिन पहले आता है। धनतेरस वित्त और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण त्योहार माना गया है। इस दिन क्या खरीदें तथा क्या नहीं खरीदें। इस दिन आप भगवान श्री गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्तियां खरीदें। जो मूर्तियां सोने चांदी तथा मिट्टी से बनी हो, कांच व पीओपी से बनी हुई मूर्तियों को नजरअंदाज करें। इस दिन सोना चांदी तथा झाड़ू व नए बर्तन खरीदने का प्रचलन है। सोना एक दीर्घकालिक संपत्ति है जिसे लोग विपत्ति के समय कार्य में लाते हैं। धनतेरस दीपावली के दो दिन पहले मनाया जाता है तथा कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 22 अक्टूबर दिन शनिवार शाम 6:02 से प्रारंभ होगी तथा 23 अक्टूबर शाम 6:03 पर समाप्त होगी। मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि आप तिथि व सही मुहूर्त पे ही धनतेरस की खरीदी करें। तो माता रानी से यह प्रार्थना है कि इस दीपावली व धनतेरस पे वह सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें तथा आपके अटके हुए कार्यों को सफल बनाएं। धन्यवाद। इष्टदेव सदा साथ।